सितारगंज शक्ति फार्म के टैगोर नगर खेल मैदान में दो दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादन मेले का आयोजन शुक्रवार से शुरू हो गया। बता दें कि इसका उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर और विधायक प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे ने किया। यहां स्टॉलों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न योजनाओं और अंचल के उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने अध्यक्ष प्रभा रावत ने बताया कि मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी, छात्र सम्मान, युवा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इसके तहत ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले दुग्ध उत्पादकों व सचिवों का सम्मान बोनस वितरण के साथ शनिवार को किया जाएगा। प्रधान प्रबंधन राजेश मेहता ने बताया कि मेला प्रातः 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी की एक सोच है कि हमारे जो किसान हैं, जो अभी हमारे साथ दुग्ध सहकारिता के साथ नहीं जुड़े हैं, वो किसान ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध सहकारिता के साथ जुड़े। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन किया गया है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या करते कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो उत्पादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ तक अपनी योजनाएँ पहुँचाते थे। जो फार्मर्स हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक हमारी योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही थी। तो एक ये छोटा सा प्रयास माननीय मंत्री जी के प्रेरणा से, उनके निर्देशों में हम लोग कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा किसान स्टेशन हमारा हो चुका है, और जिसमें हम उनको किसानों को लक्की ड्रा भी के लिए कूपन दे रहे हैं, जिसमें अभी इनाम 128 इनाम आज निकालेंगे, 128 इनाम हम कल निकालेंगे। इसके साथ ही स्टॉल्स लगाए गए हैं, वो पशुपालन विभाग का, डेयरी का, हमारा पशु आहार निर्माणशाला का, उद्यान का, स्वास्थ्य विभाग का, बहुत सारे फिशरीज का, स्वास्थ्य का, कृषि का, सारे स्टॉल्स हमने यहाँ पे लगाए हैं।